हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट मंथन में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी पांच ऐसे विदेशी खिलाड़ियों की जिन पर सभी फ्रेंचाइजियां ऑक्शन में बोली लगा सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिनको इस बार सभी फ्रेंचाइजियां ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सूची में पांचवें नंबर पर हमने रखा है युवा और उभरते हुए भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान को। जी हाँ दोस्तों, आवेश खान ने आईपीएल में अपना डेब्यू 2017 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए किया था, लेकिन वहाँ उन्हें केवल एक मैच ही खेलने का मौका मिला था। उसके बाद से वे रेगुलर दिल्ली टीम के साथ बने हुए थे, लेकिन आवेश खान को असली पहचान मिली 2021 के सीजन में, जब उन्होंने न केवल सीजन के पूरे मैच खेले बल्कि अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करते हुए सीजन में कुल 24 विकेट अपने नाम किए। आवेश की पारी की शुरुआत में और डेथ ओवर दोनों में बेहतरीन गेंदबाजी थी। आईपीएल के साथ साथ आवेश का घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन रहा था, और यही कारण है कि उन्हें वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय T20 और एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया। हर बार की तरह इस बार भी ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजियां अपनी टीम में अच्छे भारतीय तेज गेंदबाजों को जरूर रखना चाहेंगी। ऐसे में आवेश के हालिया फॉर्म को देखते हुए आवेश सभी टीमों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, इसलिए इस बार सभी टीमें ऑक्शन में उन पर ऊंची बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगी। सूची में चौथे नंबर पर हैं भारतीय टीम के ही एक और तेज गेंदबाज दीपक चहर। जी हाँ दोस्तों, दीपक चहर भी ऑक्शन में सभी टीमों की पहली पसंद हो सकते हैं। उसका कारण है चहर की पावर प्ले में विकेट निकालने की एबिलिटी, जिसकी वजह से उन्होंने कई मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स को बढ़िया शुरुआत दिलाई है। इसके साथ ही दीपक लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। सभी फ्रेंचाइजियां ऑक्शन में उम्दा भारतीय तेज गेंदबाजों पर दाव जरूर लगाएंगी, खास करके वह जो नीचे आकर अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकें। इसलिए इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऑक्शन में चेन्नई चहर को टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं बाकी फ्रेंचाइजियां भी दीपक चहर को अपने साथ टीम में जोड़ना चाहेंगी। दीपक चहर के आईपीएल में रिकॉर्ड की बात करें, उन्होंने अब तक आईपीएल में 63 मैचों में 59 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही 140 की स्ट्राइक रेट से 79 रन भी बनाए हैं। सूची में तीसरे नंबर पर एक और पूर्व सीएसके के खिलाड़ी को जगह मिली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड शार्दुल की। शार्दुल न केवल बढ़िया तेज गेंदबाज हैं बल्कि अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं। शार्दुल ने पिछले कुछ समय में अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों को ही इम्प्रूव किया है। शार्दुल ठाकुर की सबसे खास बात है इनिंग्स के बीच में विकेट निकालना, और पिछले सीजन में चेन्नई के लिए तो उन्होंने कई बार एक ओवर में 2 विकेट निकालकर मैच का पासा ही पलट दिया था। शार्दुल का पिछला सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा था और उन्होंने सीजन में कुल 25 विकेट अपने नाम किए थे। चेन्नई एक बार फिर से ऑक्शन में शार्दुल पर दाव खेलती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही शार्दुल की ऑलराउंड एबिलिटी को देखकर सभी टीमें लॉर्ड शार्दुल को टीम में शामिल जरूर करना चाहेंगी। शार्दुल के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 61 मैचों में 67 विकेट अपने नाम किए हैं, तो ये बात तो पक्की है इस बार लॉर्ड पर पैसों की जमकर बरसात होने वाली है। सूची में दूसरे नंबर पर जिस भारतीय बल्लेबाज को रखा है उस पर सभी फ्रेंचाइजियां ऑक्शन में आंखें बंद करके पैसा लौटाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के सदस्य थे, और यही नहीं 2020 के सीजन में उन्होंने अपनी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में भी पहुँचाया था। श्रेयस मिडिल ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो कि इनिंग्स को बिल्ड करने के साथ ही बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। इस समय 3 ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिन्हें नए कप्तान की ज़रूरत है, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही बाकी टीमों को भी एक उम्दा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की ज़रूरत है जो टीम को स्थिरता प्रदान करे। रिपोर्ट्स की माने तो RCB से अंदरूनी सूत्रों के द्वारा खबर आई है कि वो शेयर्स को ऑक्शन में खरीदने के लिए 20 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो तय है इस बार ऑक्शन में शेयर्स पर सभी टीमें काफ़ी ऊंची बोली लगा सकती हैं।
श्रेयस के आईपीएल करियर की बात करें, अब तक उन्होंने 87 मैचों में 123 की स्ट्राइक रेट से 2375 रन बनाए हैं। सूची में पहले नंबर पर जो खिलाड़ी है इस बार सभी टीमों की पहली पसंद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉकेट डायनामो युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईशान किशन भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से वे हमेशा टीम में दस्तक देते रहे हैं, लेकिन हाँ, ऋषभ पंत के चलते उन्हें कभी रेगुलर मौके नहीं मिले हैं। ईशान किशन के साथ सबसे अच्छी बात है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। ईशान नंबर एक से लेकर नंबर चार पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। ईशान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण ईशान इस बार सभी टीमों के फेवरेट हैं। इसके साथ ही फ्रेंचाइजियां ईशान को भविष्य के कप्तान के रूप में भी देख सकती हैं। 2020 का सीजन ईशान का ड्रीम सीजन रहा था, जहां उन्होंने अपने दम पर मुंबई को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र टीम है जो शायद ईशान पर बोली ना लगाए। इसके अलावा बाकी सभी टीमें ईशान को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ऑक्शन में जद्दोजहद करती हुई दिख सकती हैं। ईशान के अब तक आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 61 मैचों में 136 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 1452 रन बनाए। इसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और युवा ऑलराउंडर शाहरुख खान पर भी इस बार सभी फ्रेंचाइजियों की नज़र हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रिकेट से जुड़े हुए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके अकॉर्डिंग और कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन पर इस बार सभी फ्रेंचाइजियाँ बोली लगा सकती हैं, उनके नाम कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।